हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज का व्लॉग ये है सैटरडे की। तो ये मैं सैटरडे को उन्नाव गई थी अपनी ननद के यहाँ। तो ये वही है पिक मेरे बेटे, वही मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। व्लॉग मेरा मंडे का है, तो मैं वहाँ से मंडे की मॉर्निंग में आई थी। तो आज मैं आपको अपना डेली मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी कि मैं मॉर्निंग में करती क्या हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। व्लॉग पूरा देखिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरा घर कितना मैसी था जब मैं नहीं थी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा यहाँ रुका हुआ था। ये देखिए कितना मैसी है। और मैं सोच रही थी, क्योंकि आते ही मैंने सबसे पहले खाना बनाया था। और मैं यहाँ पे आ गई थी लमसम 7:30 बजे मैं आ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं तुरंत लग गई अपनी सब्जी और रोटी बनाने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो ये देखिए मैंने तरोई की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो वही जो है मैं रोटी रख रही थी। लंच मैंने कल तैयार कर लूँ, तो मैंने सबसे पहले आते ही मैंने सबसे पहले खाना, के बाद जो है मैंने बाकी काम किए। साथ में थोड़ा थोड़ा करती जा रही थी। सब्जी वब्जी चढ़ी थी तो मैं फिर कपड़े उपड़े थोड़ा समेट ली थी। तो कपड़े धोती हूँ मुझे जो है। ये देखिए थोड़ा सा साफ हो गया था घर। ये देखिए थोड़ा अंधेरा आ रहा था तो मैंने लाइट जला दी, क्योंकि मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले मैं लग गई तो लाइट की कोई वही नहीं हुआ। और वैसे सब लोग जला देते हैं, इसी वजह से आज मेरे बेटे ने क्लास भी नहीं करी, क्योंकि मॉर्निंग में आए तो थक गया। तो छोटे वाले ने क्लास नहीं करी, इसकी वजह से मैंने आज मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग बना लिया। अच्छा एक बात है, कहीं से आई है तो थोड़ा सा वो लगता है ना, कि मैं तो रात ही में आने को कह रही थी पर सब लोगों ने जिद करी तो रुक गई। तो मैं मॉर्निंग में आई, और मॉर्निंग में फिर आके बड़ा काम हो जाता है। पहले तो मुझे समझ ही में नहीं आया था मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो उसके बाद मैं जो हूँ सारी सफाई करने लगी। डाइनिंग टेबल में भी बहुत सामान फैला दिया था इसने। बच्चे खाते हैं बनाते हैं बस, उनको और तो कोई मतलब होता नहीं है। कोई बेटी हो तो कर भी देगी, बेटे कहाँ करते हैं। ये देखिए मैंने टिफिन और बॉटल तैयार रखती है हस्बैंड की, कि वो ऑफिस लिए जाएंगे। और मैं साथ ही साथ सारे काम करती जा रही थी। तो मैं टीवी में गाने लगा लिया था, तो वही मैं गाने सुन रही थी। और आपने देखा होगा मैं बाहर कम बर्तन लेके जाती हूँ। तो मेरे यहाँ दो किचन और दो किचन है, दो बाथरूम है, दो लैट्रिन है। तो दो जो हैं बाथरूम है, तो उसको एक बाथरूम में जो हूँ सिर्फ कपड़े बर्तन के लिए रखी हूँ। तो वहाँ मेरी मेड बर्तन धो जाती है और वहीं रखे रहते हैं। जब धूप खूब अच्छे से लग जाती है उसमें बाहर की हवा, फिर मैं उसे अंदर लाती हूँ। मैं ऐसे अंदर नहीं लाती हूँ। और ये देखिए ये रेडी हो गए हैं ऑफिस के लिए। और मैं अपने सारे काम में लगी हुई हूँ। और दो दिन नहीं थी, दो दिन में ही इतनी धूल हो गई थी सब में, एक्वेरियम पे, मशीन उस पे, फ्रिज पे, मशीन पे, मेज पे, सब जगह बहुत धूल हो गई थी। तो मैं वो साफ करने में लगी हुई हूँ।
अब इनके जाने के बाद इनको मैं भेज आई थी, और भेजने के बाद सारे कपड़े जो हैं सब संभालना था, गंदगी लगी सारे, अलमारी नहीं है ना, आपने देखा होगा मेरा सब सामान ऐसे ही रखा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अलमारी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो है खाली दीवाले दीवाले हैं, तो इस वजह से मुझे, और मेरी एक अलमारी है बड़ी और एक कपड़े वाली है, बाकी मुझे बिस्तर विस्तर रखने के लिए कोई अलमारी नहीं है, इसकी वजह से मैं एक के ऊपर एक बिस्तर रख देती हूँ। और इनमें कम्बल हैं मोटे वाले, और ये देखिए रिमोट ऐसे बिस्तर पे डाल रखा था और अभी टूट जाता, तो सब अपने मन की दो दिन जो है आराम से रहे हैं, और सारे बिस्तर रोज़ एक बिस्तर खूब कम्बल रजाई सब निकाल लिए हैं, तो वही मैंने कहा लो सब समेट दूँ। और ये गंदे कपड़े मैंने सारे नीचे कर दिए हैं, वो सब जो है गंदे कपड़े थे, शर्ट होंगे रात में वो यहीं रख दिए होंगे, तो दो तीन दिन की ये शर्टें इनकी हो गई। अब सारी चीज़ें मैं मशीन में डाल दूँगी कपड़ों को, और फिर आगे मैं जो हूँ और काम करूँगी। तो ये देखिए मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, तो धीरे धीरे मैं सारे, क्योंकि और सब काम हो गया था सारा, देखिए सिमट गया है मेरा, और तो मैं झाड़ू लगाने लगी थी। अब इसके बाद मुझे बस नहाना रह जाएगा, तो ये देखिए मैं बाहर धो रही हूँ, तो एक टंकी ऊपर रखी है एक टंकी नीचे रखी है, तो ये जो है मैं बाहर धो दे रही हूँ कि गंदगी बहुत है। और ये देखिए मेरे कपड़े भी, वो बर्तन भी धुल गए हैं और सारे काम हो गए हैं, और ये देखिए मेरी सारी क्लीनिंग ख़त्म हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं नहा के, और मैंने बाल भी सूखा खींच लिए हैं, अभी सूखे नहीं हैं, और अब मैं जो हूँ फ्री हो गई, पूरा मेरा काम भी हो गया फिनिश, खाना बन गया था, मॉर्निंग में आते ही मैंने पहले खाना बनाया, मैंने कोई काम नहीं किया, अब सबसे पहले मैंने, क्योंकि मुझे लंच देना था ना, तो मुझे जल्दी 8 बजे मैं आई हूँ, और मैंने उसके बाद 9 बजे निकलना था, तो मैंने पहले फटाफट खाना बनाया लंच में, और दिया टिफ़िन अपने हस्बैंड को, और बस वो चले गए, और फिर मैं नहाई, अब मैं ये देखिए मैं रेडी हो गई,
मैं फेस पे कुछ लगाती नहीं हूँ ज़्यादा। और का जो है मेरा क्लीनिंग और मॉर्निंग रूटीन मेरा ख़त्म हो गया है, और इस समय 12 बज रहे थे और 12 बजे तक मेरा सारा काम जो है फिनिश हो गया था। और ये देखिए मेरा बेटा जो है गाड़ी ठीक कर रहा है, अपनी खिलौने से खेल रहा है। अभी सोफे पे लेटा था तो उसी ने ये इतना गंदा कर मतलब फैला दिया। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।